नेडा में फ्री हेल्थ केयर है बट आई थिंक फ्री हेल्थ केयर तो मिलता है बट एट वॉट कॉस्ट एट कॉस्ट ऑफ योर लाइफ एक्चुअली अप इज पारुल पारुल एंड ये तो हां जी दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट हेल्थ केयर विद आयुषी Hi guys, this is Ayushi. हम दोनों बहुत बातें करते रहते हैं कनाडा से रिलेटेड कि यहाँ पर क्या आजकल इश्यूज चल रहे हैं क्योंकि आपने देखा आजकल नेगेटिव कलेश बहुत चल रहे हैं hmm. तो मैंने सोचा कि इस नेगेटिव कलेशों की धार में क्यों ना हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर लें जो वाकई प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे आ गई हैं जो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लोग बहुत कुछ लोगों के लिए वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है बट इट्स नॉट अ मेजर की बात करने जाएं तो मुझे लगता है कि हेल्थ केयर का इशू बहुत बड़ा है खासकर मुझे यहाँ पर मोर देन टेन इयर्स हो गए और आयुष इनको फाइव और मुझे टेन और हम दोनों के जो एक्सपीरियंसेज रहे वो बहुत ही मतलब पॉजिटिव नहीं रहे हैं नेगेटिव डिजास्टरस रहे हैं नॉर्मली मैं अच्छी बातें भी करता हूं लेकिन In fact, मुझे लगता है किसी से भी पूछो कैनेडा हाँ। में कोई भी इमिग्रेंट हो यही कहेगा कि कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस बुरा है या तो उनके साथ पर्सनली या उनके फ्रेंड्स के साथ और जिन जिन लोगों के यार क्रॉनिक इशूज हैं फैमिली हिस्ट्री वाले इशूज हैं जिनमें उनको यहाँ पर आगे इंसुलिन लेना या डायबिटिक उनके लिए तो थोड़ी प्रॉब्लम और बड़ी भी है तो आइए आज की वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कैनेडियन जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसकी डार्क साइड क्या है और इसके इशूज क्या हैं और ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए राइट लेट्स बिगिन तो चल यार सबसे पहले बात करते हैं वेट टाइम्स की वेट वेट बन गया करते है, यार टाइम्स बहुत क्रेजी बाय द वे मैं बता दूं फॉर फैक्ट जो मैंने रिसर्च करी है कनाडा हैज लॉन्गेस्ट वेट टाइम्स जब हम मेडिकल यू नो ट्रीटमेंट की बात करते हैं यहां पर आपको आपने सुना होगा काफी टाइम लग जाता है तो उसके बारे में बात करते हैं व्हाट डू यू थिंक यार कि तुम्हारा See, कैसा एक्सपीरियंस no. रहा है मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा टच वर्ड, बट जितना मेरे को मिला है like, लाइक <laughs> नहीं शायद यंग हूँ अभी उसके लिए बट uh, एक बेसिक टेस्ट भी आपको कराना हो तो यू हैव टू वेट अराउंड सिक्स मंथ्स जिस टाइम तक शायद आप ठीक हो जाओगे या फिर कोई मेजर इशू आ जाएगा बहुत बहुत बुरा हाल है मेरे को किडनी स्टोन की पेन हुई थी मेरी बैदब एक वीडियो बनी हुई है मेडिकल एक्सपीरियंस की वो देख लेना डिटेल में जाके बट मेरे को लिटरली आठ से दस घंटे वेट करना पड़ा था सिर्फ डॉक्टर को देखने के लिए और उस आठ से दस घंटे में मैं पेन में तड़प रहा था

तो उन्होंने कहा द एम्बुलेंस विल कम इन फ्यू आवर्स ना इमेजिन यू आर ऑन द फ्लोर ठंड में और आपका हार्ट उठा हुआ है घर के कपड़ों में हो आप उठ के नहीं जा सकते हो कहीं पे तो आप ऐसे पड़े थोड़े ना रहोगे फॉर फ्यू आवर्स तब तक तो जम जाओगे वैसे के वैसे ही तो, तो बहुत मुश्किल से हम उसको लेके गए थे खुद से कैब में उसको बहुत हिम्मत देकर बट uh, स्टिल उसको दो दिन तक तो प्लास्टर नहीं लगाया तो ये यहाँ पर रहता ही है मेरे को ब्लड टेस्ट दिया था इन्होंने और बोला था छः महीने बाद आपकी बारी आएगी जो फ्री वाला था बट मेरे पास प्राइवेट इंश्योरेंस थी तो मैंने फटाफट दो हफ्ते में ही करवा लिया था उसमें भी मुझे एक हफ्ते दो हफ्ते लग गए थे तो वेट टाइम्स यहाँ पर बहुत ही ख़राब है अगर तो आप एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हैं कि आपको ट्रीटमेंट मिलेगा तो बहुत मुश्किल है आई थिंक सेकेंड पॉइंट होगा एसेसिबिलिटी तो हम अभी एक्जाम्पल दे रहे थे मॉन्ट्रेल का जहाँ हम रहते हैं जो एक बड़ा टाउन है मेजर सिटी है बट अगर आप छोटे टाउन्स में सोचो जहाँ लोग रहते हैं नॉर्मली कि सब कुछ सस्ता मिलेगा वहाँ पे हॉस्पिटल्स की और बुरे हालत हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स ही कम हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हैं तो यहाँ पे अगर मॉन्ट्रेल सिटी में जहाँ इतनी एम्बुलेंस और इतने हॉस्पिटल्स हैं तो भी फ्यू आवर्स में एम्बुलेंस आ रही है तो इफ़ यू आर लिविंग इन अ स्मॉल सिटी यू कैन इमेजिन कि वहाँ पे कब पहुँचे मैंने भी ये सुना है कुछ स्टूडेंट्स की मुझे कम्प्लेट रही है जैसे कैलगरी वाली साइड पर जो कि बहुत ही मैं आपने देखा होगा कि उसके जोग्राफी काफ़ी कम्प्लेक्स है तो नो डाउट कम रेंट वगैरह होता है विनी चले जाओ यहाँ पर आप ये वो यही वाली बात आ गई यहाँ पे कि बड़े हॉस्पिटल्स में यहाँ पर डॉक्टर्स है ही नहीं तो गाँव में तो आप खुद समझ जाओ रूरल साइड पे थोड़ा सा चले गए तो क्या ये ट्रीटमेंट मिलेगा यहाँ आठ घंटे वहाँ सोलह हैं और ये सच्ची वाले नंबर्स हैं नीचे लिंक्स दे रहा हूँ जाकर चेकआउट कर लो मैंने बड़े सारे लोगों को कनाडा बुला लिया हुआ है मेरे घर वाले कहते हैं तो मैं उनको बोल रहा था कि यार यहाँ पे कि इतने सारे लोग अब यहाँ आ गए हैं जो कि नॉर्मली हम देख भी रहे हैं तो ओल्ड एज में जाके क्या होगा अभी तो चलो फन है लोग yeah. हसल कर रहे हैं तो कल को डॉक्टर की अगर नीड होगी तो फिर तो यार मुझे लगता है इंडिया उस मामले में ज्यादा विनर न रहा है हाँ, कि आप exactly. जाते हो ट्रीटमेंट आ जाता है बड़े सारे लोग मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तुम अपनी फैमिली को पूरा क्यों नहीं यहाँ पे मूव कर लेते अब अगर मैं अपने मॉम की भी एग्जाम्पल लूँ शी सिक्सटी प्लस यहाँ पे भाई अगर हम परमानेंटली हैं और हमें अगर डॉक्टर पे जाना पड़ता है तो सोचो कितना बुरा हाल हो जाएगा तो वहां पर जो एक्सेस है वो मज़े लगी है भाई एक्सेसिबिलिटी के भी एक मिनट में डॉक्टर स्पेशलिस्ट तो अब स्पेशलिस्ट की बात करते हैं तो आज अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो था वो मेरा ब्यूरो के ऊपर ही था ब्योक्रेसी इन हेल्थ केयर सबसे बड़ा पॉइंट है और वहां बैठे होते हो या विद इन द सेम वीक यहां पर स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट लेने के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है सबसे पहले आप क्लिनिक में जाएंगे क्लिनिक में अगर डॉक्टर आपको डायग्नोसिस नहीं दे पा रहा या रेफरल नहीं दे पा रहा फिर आप एक रियल डॉक्टर के पास जाएंगे जनरल प्रैक्टिशनर के पास वो आपका असेसमेंट करके आपको एक रेफरल देगा फिर उस रेफरल के बेसिस पे आप अपॉइंटमेंट लोगे जो कि बहुत कम है यहाँ पे स्पेशलिस्ट तो ऑलरेडी बहुत ही बहुत कम है क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत रेगुलेटेड है तो जो असली डॉक्टर्स हैं इंडिया वाले या इधर उधर वाले मैं असली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो वह, वह, वहाँ वाले प्रैक्टिकली ठीक है। करते हैं <laughs> तो उनको ढूंढना ही बहुत मुश्किल है और अगर मिल भी जाए तो मान के चलते कि फेबर में अगर आपको किसी ने स्पेशलिस्ट रेफरल दिया है तो अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी जी नवंबर अक्टूबर या मे बी दिसंबर की या मे बी अगले साल की

वीडियो है मेरी जाकर चेकआउट करना उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है दो तीन साल पुरानी है बहुत गालियाँ निकाली थी लोगों ने मुझे कि भाई अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो वापस क्यों नहीं चले जाते भाई प्रॉब्लम नहीं है हम हाईलाइट कर रहे हैं कि ये एक इशू है अच्छी चीज़ें भी हैं बुरी भी हैं तो ब्यूरोक्रेसी बहुत ही खराब है तुम्हें कभी रेफर लेना पड़ा नहीं अभी तक तो नहीं चल कोई नहीं फिर नीड भी वैसे ना पड़े बट हाँ इंडिया ही चले जाओ वो बेटर है वहाँ पे अगर इलाज करवाना हो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट अब बात कर लेते हैं रविशी की फ्री हेल्थ केयर की डेफिनेशन क्या है क्योंकि बड़े लोगों को ये भी व्यम रहता है कि सब फ्री, कुछ फ्री है सब कुछ फ्री नहीं है भाई सर्जरीज वगैरह फ्री हैं कंसल्टेशंस आपकी फ्री हैं छोटे मोटे ट्रीटमेंट फ्री है या बड़ी इवन सर्जरीज हो वो भी फ्री है लेकिन अगर हम दवाइयों की बात करें वो नहीं फ्री है ना उसके लिए आपको प्राइवेट इंश्योरेंस चाहिए दांत भी मेरे ख्याल से नहीं है डेंटल कवर नहीं है आई थिंक आजकल बच्चों के लिए भी हो गया है इंक्लूड बट हमारे लिए नहीं है और आँखें भी नहीं है अगर yes. so आप जो बेसिक देखो जैसे डेंटल आई ये हमें रेगुलरली चाहिए होता है हाँ, तो है। वो आपको प्राइवेट इंश्योरेंस में ही मिलेगा चाहे आप स्टूडेंट हो या आप

2,400 मैंने कहा भाई इतने में टिकट मैं इंडिया की अभी निकलवा हाँ। के थी लास्ट ईयर और शायद पता नहीं मेरे 2000 लगे होंगे मैक्स नहीं वो तो है नहीं ये बहुत बड़ा कलेशा यार यहां पे ये पॉइंट भी मैंने लिखा हुआ था कि कॉस्ट ऑफ मेडिकेशंस काफी हाई है mm -hmm. और एक चीज आपको और बताऊं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ऋषि यहां पर एमआरपी uh, का सिस्टम नहीं है जैसे इंडिया में दवाइयों का होता तो यहां पे ये भी हिसाब है कि आप कहाँ से दवाई ले रहे हैं तो उस हिसाब से आपको दवाई के वही दवाई के सेम पैसे देने पड़ेंगे अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक दवाई ले रहे हैं जो कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ट्वेंटी डॉलर्स की फार्मा फार्माप्रीज या शॉपर्स ड्रग मार्ट मार्टेरियो में जहाँ बोलते हैं अगर आप वहाँ से दवाई लेंगे तो आप देखेंगे जो दवाई की कॉस्ट है ना वो सिर्फ तीन चार डॉलर ही है उसके ऊपर डिस्पेंसिंग फीस है छः सात डॉलर और कुछ एक्स एक्सपाइज एल ब्ला ब्लाउ उसके अंदर कोडिंग करके वो टैक्सीज वैक्सीज घुसा के बीस कर देते हैं और आप जितनी बार ये दवाई लेंगे उतनी बार आप ये डिस्पेंसिंग फ़ी देंगे जो कि मोर देन थर्टी फोर्टी परसेंट होती है आपकी दवाई की कॉस्ट से तो कॉस्ट को मैं जाकर जो लोग ये कनाडा में वीडियो देख रहे हैं आप दवाई ले सकते हैं वहाँ पर आपको कॉस्ट को मेम्बरशिप की भी ज़रूरत नहीं है आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन दिखा के ले सकते हैं एक तो उनके डिस्पेंसिंग फ़ी कम है और दूसरा आप वहाँ से ज्यादा भी ले सकते हैं। ओके, दैट्स गुड पॉइंट ये पता नहीं था आ, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे तीन महीने के ले लो तो आप बार बार डिस्पेंसिंग फी नहीं दे रहे हो फिर mm -hmm. आप एक बार में ही वो पे कर रहे हो और पूरा लॉट लेके जा रहे हो और दवाई का रेट का आधोवा का फर्क पड़ जाएगा तो मोस्टली इंडिया से दवाई लेके आ सकते हो तो भाई मेरी सजेशन तो यही रहेगी मेरा हाँ, तो एक बॉक्स चलता है जो रिफ्रेश हाँ, होता रहता right, है एक्सपायर तो right, हो फेंक रहे आई थिंक हर कोई ये करता है अगर पहली बार हाँ, नहीं लाया तो बाद में से अभी मेरे मम्मी जून में आ रहे हैं तो मैं उनसे एक बॉक्स मंगवा रहा हूँ जिसमें मेरी एंटीबायोटिक्स होंगे दांतों के हेड के डायरिया के फूड पॉइजनिंग एंड ऑल जो भी क्रिटिकल बेसिक इश्यूज होते हैं हेडेक के वहाँ से आ जाएगा तो बाद में फेंक देंगे उसको तब भी वो वर्थ हट है वहाँ से तो यहाँ मेडिस मेडिसिन का भी थोड़ा सा काम खराब है तो चलो यार वीडियो को करते हैं कंक्लूड अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि भाई आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि कैनेडा तो इतना डेवलप्ड कंट्री है भाई यहाँ पर क्यों ऐसे है इतना वेट टाइम क्यों है सबसे बड़ा जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो है डॉक्टर्स की शॉर्टेज कि पता नहीं क्या स्टैट्स में देख रहा था 200 300 बंदे के लिए एक डॉक्टर है कुछ ऐसा हिसाब किताब था यहाँ पे और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत रेगुलेटेड है

एक फुल डॉक्टर दोबारा से चार साल लगा के फिर दो पेपर दे के फिर आ, बड़े, बड़े बड़े कलेश हैं, हैं। तो अभी एक पॉलिटिकल पॉइंट भी बना हुआ है इलेक्शंस के अंदर जो कैनेडा के ऑन गोइंग है, है उन्होंने इसको एक आर गोइंग टू मेक श्योर दैट कि ये जो प्रोसेस है जो इंडिया से इमिग्रेंट डॉक्टर्स है वो इजिली कन्वर्ट करके यहाँ पर प्रैक्टिस करंट लिबरल पार्टी को भी कुछ करना चाहिए यहाँ पे नहीं तो बंदे भाग जाएंगे बूढ़े हो के <laughs> अरे डॉक्टर भाग हाँ, जाते हैं सो डेंटिस्ट डेंटिस्ट आते हैं जैसे क्योंकि डेंटल हाँ। uh, थोड़ा कंपेरेटिवली इजी है uh, यहाँ बनना uh, बाकी

एटी ट्वेंटी वाला साहब होता है बीस परसेंट आपको हाँ। और वो, पर एटी ही इतना हो जाता है कि थाउजेंड में आप पे कर रहे होते हैं नहीं इतने में तो बंदा जाके भाई स्विट्जरलैंड घुमाए और वहीं पर ट्रीटमेंट हो जाता है बंदे का अपने आप ही तो आपके अगर यार कोई बैड एक्सपीरियंस है तो शेयर करो आयुषी तुम्हारे भी कोई फ्रेंड्स अगर देख रहे हैं तो भाई आयुषी की तरफ से तो कोई एक्सपीरियंस आया नहीं ये तो ज़्यादा डॉक्टर पर गई नहीं है बट जाना पड़े ना आई होप सो बट अगर कोई देख रहे हैं तो भाई नीचे कॉमेंट करो कैसे हैं मेरे भी फॉलोअर्स अगर आपका कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा जो आप शेयर करना चाहते हैं आप ईमेल कर सकते हैं इनफॉट पारो डॉ टी पे या फिर नीचे कमेंट कर दो हम आगे जाकर शेयर कर लेंगे जी चैनल के ऊपर तो हाँ जी दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट द हेल्थ केयर सिस्टम इन कैनेडा द रियलिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम और एक्सपेक्टेशन वर्सिस रियलिटी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फोन पर इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आइडिया एट द रेट कनेक्ट पारूल पारू टीवी एज ऑल्सो स्टार्टेड पार्ट पारू टी वी इमिग्रेशन सर्विसेज इन इंडिया तो हमारा ऑफिस है जलंधर में नीचे मैं डिटेल्स दे रहा हूँ फॉर्म की वहाँ पर जाकर आप अपनी डिटेल डालो हमारी टीम आपको रीच आउट करके आपकी पूरी असैसमेंट फ्री में कर देगी एंड नॉट ओनली फॉर कैनेडा वी ऑल्सो डील विद यूरोप ऑस्ट्रेलिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी मेजर कंट्रीज हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो जाकर एक बार फॉर्म ज़रूर भर दो तो यही थी जी आज की वीडियो आई को भी फॉलो कर सकते हैं इनकी आई मैं नीचे दे रहा हूँ सी यू नेक्स्ट वीक इन अनदर वीडियो टैन कीप वॉचिंग पारू